हेलो एंड वेल्कम टू गेट एडमिशन। मैं सिर्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के बारे में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में काफ़ी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। अब आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा एंड सोचा होगा कि यहाँ पे हमारी मेडिकल की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ढेर सारे आपके भी क्वेश्चन होंगे कि क्या इसकी फ़ीस है, क्या इसका मतलब रिव्यू आप मतलब जानना चाहते होंगे, क्या फ़ीस है यहाँ पे, क्या यहाँ की एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन हो सकता है, अगर हमारी रैंक कम है तो भी कैसे एडमिशन हो सकता है। तो ढेर सारी बातें हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है एंड आपका एडमिशन डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन जिनको यहाँ पे अपना एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक काफ़ी पॉपुलर एंड आप कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा एंड सोचा होगा कि यहाँ पे हमारा एडमिशन हो जाए। ये जो स्टूडेंट 1996 में स्टैब्लिश हुआ था, डीम्ड मेडिकल कॉलेज है ये, ठीक है, एंड काफ़ी पॉपुलर है अपने एरिया में। इसका हॉस्पिटल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे महाराष्ट्र, जैसे मैंने बताया यहाँ की लोकेशन है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको ईजिली मिल जाती है क्योंकि कॉलेज ऑब्वियसली इतना फेमस है कि वहाँ पे आपको शेयरिंग की भी फैसिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा अवेलेबल हो जाता है। देन आगे बढ़ते बात करूं उसके एफिलिएशन की, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एनएमसी के द्वारा प्रॉपरली अप्रूव्ड है। एंड काउंसलिंग अथॉरिटी की बात करूं तो महाराष्ट्र की जो मेडिकल एजुकेशन काउंसलिंग अथॉरिटी है वही इसको मैनेज करती है। देन आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो यहाँ पे एमबीबीएस एमडी एमएस कराए जाते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ एमबीबीएस के बारे में ही बातें करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस इंस्टीट्यूट का जो इसे बेहतर बनाता है या फिर कह सकते हैं आप बेस्ट बनाता है, वो है यहाँ का हॉस्पिटल। अब इसका हॉस्पिटल इतना ज्यादा फेमस है, इतना अच्छा इनका पेशेंट फ्लो कि आपको यहाँ पे जो कह सकते हैं एक प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा एक यूनिक है एंड अपने एरिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो 1500 to 2000 के आसपास का मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अपने आप में कमाल का पेशेंट फ्लो है, ठीक है। मतलब आपको पर डे के यहाँ पे पेशेंट्स इतने आते हैं। देन यहाँ पे आपको 1300 प्लस का ये बेड का हॉस्पिटल है, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है एंड यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने में कोई कमी नहीं होती है। आप वहाँ पे सारी जैसे मशीन से वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट पार्ट है इसका हॉस्पिटल। अब हम आगे बढ़ते हुए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं कि डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन कैसे हो सकता है एंड कितनी इनकी फीस। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी बताता हूं, तो एलिजिबिलिटी यहां पे वही है यार, 50% से वो आपके पीसीबी में। देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीट में आपका क्वालिफाई करना एंड जो इनकी कट ऑफ है उससे ज्यादा आपका मार्क्स आना चाहिए तब आप एलिजिबल है यहां पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आपके उतने मार्क्स नहीं आए होते हैं और आपका एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेज में नहीं हो पाता है, फेवरेट मेडिकल कॉलेज में। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो उसका सोल्यूशन गेट एडमिशन के पास है। अब सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा बट उससे पहले मैं बता देता हूं यहां की फीस के बारे में। तो देखो 4.6 प्लस 1 ईयर का आपका यहां पे कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। फीस आपके यहाँ पे रहने वाली है 25 लाख पर ईयर फॉर 5 ईयर्स एंड हॉस्टल फीस आपकी 1.25 लाख पर ईयर। फुल पैकेज आपका 1,60,80,348 का होने वाला है एंड टोटल सीट यहाँ पे 250 आपको मिलेंगी। टोटल सीट का जो इंटेक है वो 250 है। तो अब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपके बजट में जो स्टूडेंट वो आता है तो आप इसको जरूर अप्रोच कर सकते हैं। इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है, अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपका नीट में अच्छा खासा स्कोर नहीं है, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार जो स्क्रीन पे देना नंबर है ना, इस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सके, आपको ज़्यादा कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े एंड देन आपका एडमिशन ईजिली हो जाए, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस है और आप जरूर एक बार अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए, व्हाट्सअप करें, ईमेल करें या फिर कॉल करें, जैसा आपकी मर्जी। आपको इवन अगर आपका एडमिशन भी नहीं लेना तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो दूर हो जाएंगी, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो आप जरूर एक बार अप्रोच करें। देन आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलती है अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलती है, मेरिट बेस्ड हो गई, SC ST हो गई, डिफेंस फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिलती है, स्टेट डोमिसाइल स्कॉलरशिप मिलती है। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं यार कैटेगरी वाइज आपके होते हैं, तो आप जब वो विजिट करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिस कैटेगरी में आप आएंगे तो वो ऑब्वियसली मिलती है। देन मैं बात करता हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैंटीन, कैफेटेरिया वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इनका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ओवरऑल इसका कैंपस का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। व्यू अच्छा है, वाइब अच्छी है, लश एंड ग्रीन एनवायरमेंट वाला कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है यहाँ की, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे सब काइंड ऑफ मैं कह रहा हूँ कि एक परफेक्ट आपके लिए डीवाई पाटिल अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वहाँ पर उनका एडमिशन हो, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप गेट एडमिशन को कॉल कीजिए एंड अपना एडमिशन बुक कराइए।